ज्यादातर देखा गया है कि इसका लव मैरिज होता है ज्यादातर। सूर्य अगर अकेला बैठा है जिंदगी में कभी भी लंका लगा देगा, शादी का तो छोड़ दीजिए। जब भी हम कुंडली मिलाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि दोनों का कुंडली में क्या चीज, दोनों में अच्छा योग क्या है, दोनों में खराब योग क्या है। पहली शादी हो गई है, टूट गई है, तो भी दूसरी शादी वहीं से देखा जाएगा, तीसरी शादी वहीं से देखा जाएगा। आज हम बात कर रहे हैं कि आपकी शादी किस एज में होगी, इसके बारे में। इसके लिए सबसे पहले आपको राशि के अनुसार बता देते हैं, और राशि पहले जानना पड़ेगा कि आपकी राशि क्या है। सब आदमी को पता होगा, अगर जिनको नहीं पता है उनके लिए हम बता देते हैं कि आपकी ये लग्न कुंडली है, आपका ये जो दिख रहा है ये लग्न कुंडली है। आप अपने लग्न कुंडली को निकालिए और देखिए चंद्रमा किस घर में बैठा हुआ है। जैसे कि चंद्रमा अगर सपोज कीजिए किसी का सप्तम घर में चंद्रमा बैठा हुआ है, तो आपकी जो राशि होगी ये यहाँ पर हमने देखिए एक से लेके 12 तक सीरियल वाइज में हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आपका 7 नंबर में चंद्रमा लिखा हुआ है तो यहाँ पे 7 नंबर के आगे जो है ये तुला राशि है। तो आपकी राशि क्या है वो कमेंट में लिख दीजिए। अगर किसी जातक का चंद्रमा अगर दसम घर में बैठा हुआ है, इस घर में अगर बैठा हुआ है तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 नंबर, जो नंबर लिखा होगा और चंद्रमा जिस घर में बैठा होगा वही आपकी राशि होगी। फर्स्ट थिंग हमें ये याद हो गया, तो आप यहां से पता कर लिए कि हमारी राशि कौन है। अब राशि के अनुसार सबसे पहले जान लीजिए, अगर हमें राशि पता हो गया तो राशि के बाद हमको याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो है शादी कब होगा या शादी किस एज में होगा। तो अगर आपका मेष राशि है तो आपकी जो शादी होगी वो 25 साल से 30 साल के बीच में हो जाएगा, ये निश्चित है। अब क्यों नहीं हो रहा है या अगर हुआ है तो पहले हुआ है, इस सब का कारण हम आपको अभी बता रहे हैं। सब का क्या क्यों डिले हो रहा है, अगर प्रॉब्लम है तो इसका सॉल्यूशंस क्या है। मेष यानी कि यहाँ पे अगर मेष राशि अगर आपकी होती है तो किसी भी जातक का जो है 25 से 30 के बीच में बताया जाता है कि शादी हो जाता है। अगर किसी भी जातक का चंद्रमा 2 नंबर में बैठा हुआ यानी कि वो हो गया वृषभ राशि, वृषभ राशि की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शादी आफ्टर 30 ही होगा, यानी कि 30 के बाद ही होने की संभावना आपकी होगी। उसके बाद आता है 3 नंबर यानी कि मिथुन, मिथुन जिसकी राशि होगी उसकी शादी जो है 28 के बाद आपकी शादी होने की संभावना प्रबल है। अब कब होगा इसकी भी हम चर्चा करेंगे, क्यों होगा, कब होगा, किस दशा या अंतर दशा में होगा, और दूसरा शादी की भी योग के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखकर इसको देखिए। कर्क राशि यानी कि आपकी कर्क राशि है तो इसका ज्यादातर देखा गया है कि इसका लव मैरिज होता है ज्यादातर, लेकिन इसमें अंदाज लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि ये हो सकता है 15-16 के बाद जो है 30-35 तक भी जा सकता है, क्योंकि रिलेशनशिप में भी आदमी कर्क राशि वाले ज्यादातर आपको दिखेगा। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर थोड़ा जो है दिक्कत होगा कोई एज को प्रिडिक्ट करना, बट यहाँ पर लव मैरिज की संभावना थोड़ा ज्यादा होता है। अगर हम बात करते हैं सिंह राशि, सिंह राशि में ये स्ट्रिक्ट मतलब कि 5 नंबर की राशि है, यानी कि अगर आपकी राशि सिंह राशि है तो इसका भी जो है 25 से 30 के बीच में जो है हो जाता है, ज्यादातर जो है मोस्टली 25 से 30 के बीच में हो जाता है। कन्या राशि इसका बहुत जल्दी होता है, 22 से लेकर 25 के बीच में इसकी शादी हो जाती है डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं इसके बाद तुला राशि, तुला राशि में देखा गया है कि आफ्टर जो है 30 आप बोल सकते हैं, आफ्टर 30 जो है तुला राशि की संभावना होती है। उसके बाद आता है 8 नंबर, यानी कि चंद्रमा अगर 8 नंबर के घर में बैठा हुआ है या चंद्रमा जिस घर में बैठा हुआ है उसमें अगर 8 नंबर लिखा हुआ है तो ऐसे जातक का शादी जो होता है आफ्टर 30 ही बोलेंगे कि आफ्टर जो है 30 ही इसका शादी होता है। अब आता है 9 नंबर धनु, धनु की शादी जो है 20 से 30 के बीच में बोल सकते हैं, 20 साल से लेके 30 साल के बीच में जो है इसकी शादी हो जाती है। उसके बाद आता है कुंभ, कुंभ में जो है हम बताएंगे 30 से 40 के बीच में, ये दोनों में डिपेंड करेगा, मकर और कुंभ दोनों में ये 30 से 40 के बीच जो है संभावना होती है शादी करने का। अब आता है मीन, मीन में जो है हम बताएंगे मतलब कि 12 नंबर में अगर ये चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये मीन राशि में आता है, तो यहां पर भी जो है किसी भी जातक को हम बोल सकते हैं कि आपकी शादी जो है 25-26 के बाद जो है आपका हो जाएगा। अब आता है सवाल कि शादी का एज प्रिडिक्ट करना, तो देखिए शादी की एज जो प्रिडिक्ट होता है उसमें
दो चीज प्रिडिक्ट करना, जैसे शादी दो का मिलान करना या शादी प्रिडिक्ट करना। जैसे कि आपके सप्तम घर को देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर सप्तम घर में सूर्य अगर अकेला बैठा है, जिंदगी में कभी भी लंका लगा देगा, शादी का तो छोड़ दीजिए, शादी लेट करवाएगा ही करवाएगा। बृहस्पति अगर अकेला बैठा हुआ है तो भी आदमी को शादी लेट करवाता है। लेकिन एक चीज इसकी अच्छाई होती है, बहुत ही अच्छाई होता है कि बृहस्पति अगर यहां पर बैठे तो अच्छा लड़की या लड़का के साथ में शादी करवाएगा और इसका शादी टूटता नहीं है। अगर किसी का शनि और चंद्रमा, अगर शनि और चंद्रमा यहां पर सप्तम घर में बैठा हुआ होता है किसी भी जातक का, तो ज्यादातर आप कुंडली मिला के ही शादी कीजिए। क्योंकि जब भी हम कुंडली मिलाते हैं तो ये जरूर देखते हैं कि दोनों का कुंडली में क्या चीज, दोनों में अच्छा योग क्या है, दोनों में खराब योग क्या है। कोई बीमारी होने की संभावना तो नहीं है, किसी एक्सीडेंटल की प्रॉब्लम्स तो नहीं है, किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो नहीं है जिसके कारण आगे चल के जो है शादी इफेक्ट होगा। तो ये सब भी हमको देखना बहुत जरूरी होता है किसी भी जातक की हम कुंडली देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम शनि चंद्रमा और शनि चंद्रमा अगर सप्तम घर में है तो देखिए यहां पर शादी जो हमने राशि के हिसाब से बताएगा वही होता है। लेकिन यहां पे शादी क्योंकि ये विष योग का निर्माण करता है, अगर किसी का मंगल और शनि यहां पे बैठ गया है तो भी ये शादी लेट करवाएगा, ये शादी तोड़वा भी देगा। ये अगर इस पे क्रूर ग्रह की दृष्टि उष्टि, अगर शनि उन्हीं का, शनि बोल रहे हैं राहु का अगर पड़ गया, राहु अगर यहां पे बैठ गया, लग्न में बैठ गया, राहु के तीन चार दृष्टि होती है, कोई भी दृष्टि अगर यहां पे पड़ गया तो दिक्कत होता है। लेकिन हमने जो बताया राशि के अनुसार कि शादी किसी भी जातक का कब होगा, तो हम राशि के हिसाब से हम आपको लिख दिए हैं, ये ध्यान में रखिए। और कब होगा, क्यों होगा, किस महादशा में होगा का सवाल आता है, तो यही महादशा या अंतरदशा, ये महादशा या अंतरदशा, या नवांश का जो सप्तम घर होगा उसकी महादशा या अंतरदशा। पहली शादी हो गई है, टूट गई है, तो भी दूसरी शादी वहीं से देखा जाएगा, तीसरी शादी वहीं से देखा जाएगा। तीसरी शादी पे हम लोग दो तीन चार देखते हैं, जैसे कि D6 देखते हैं, D7 देखते हैं, D9 देखते हैं। लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे बताना डिफिकल्ट होगा, इसके लिए हमने एस्ट्रोलॉजी कोर्स बनाए हैं। अगर इसको लाइव सीखना चाहते हो तो नीचे अपना व्हाट्सएप का ग्रुप है, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज नीचे ऐप है, आप ऐप डाउनलोड करके वहां से भी पढ़ सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आपके पास में कोई भी सवाल होगा तो नीचे कमेंट में लिख दीजिएगा, और आपका राशि क्या है जरूर कमेंट में लिखिएगा। दोस्तों अगर आप नंबरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं।